Assalamu alaikum dear students. आज लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का हम पढ़ने जा रहे हैं. सो यू आर लर्निंग ऑन मुजफ्फर्स ऑनलाइन अकेडमी. आज हमारा टॉपिक है स्पीड वेलोसिटी. आगे हम देख व्हाट इज मीन बाय स्पीड. डियर स्टूडेंट्स, कहा यह जाता है और मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के कुछ लेक्चर्स के अंदर बताया था कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल ड्राइव दोनों थी, अगर आप दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो या माइनस करो तो हमें एक न्यू क्वांटिटी मिलती है. तो आज उसी की एक एग्जांपल आज हम देखने जा रहे हैं. ठीक है, आपके पास जो स्पीड होती है इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. इसको डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब किसी मखसूस टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे तो फिर उस डिस्टेंस को और उस टाइम को डिवाइड करने के बाद हमें जो न्यू क्वांटिटी मिलती है उसका नाम स्पीड है. फर्ज कर लेते हैं कि आपकी ये बॉल फोर्स एफ लगाने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस की डायरेक्शन है वो कुछ यूं है. अच्छा, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, ये आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है. ये जो बॉल है डी डिस्टेंस कवर करती है टाइम टी में. ठीक है, अगर इस डी डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें स्पीड मिलती है. मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, दिस इज नोन एज स्पीड वी हैव. इसको हम मजीद डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच इज फास्ट और स्लो आवर ऑब्जेक्ट. हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना स्लो है और कितना फास्ट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पीड वी हैव. अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स, स्पीड को शो किया जाता है एस से. ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. ठीक है, अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स यूनिट किस तरह से निकाला जाता है, यह आपने फॉर्मूला लिखा. डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास होता है मीटर. ठीक है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड. सो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड. ठीक है, सो मीटर पर सेकंड को हम कुछ इस तरह, यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा, सो मीटर पर सेकंड को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड. क्लियर है, अगर हम इसकी डायमेंशन, अच्छा ये जो यूनिट था ये यूनिट एसआई सिस्टम में था. अगर हम इसकी सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट हमारे पास होगा सेकेंड नंबर पर. सीजीएस सिस्टम आपसे पूछ सकता है सीजीएस सिस्टम में स्पीड का यूनिट बताएं. मीटर आपके पास डिस्टेंस का यूनिट है, सीजी सिस्टम में डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास होता है सेंटीमीटर, टाइम का होता है सेकंड. सो यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगा. अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सो एफपीएस सिस्टम के अंदर जो यूनिट हमारा होगा वो फुट पर सेकेंड होगा. क्लियर है, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, सो डायमेंशन, ठीक है, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन मैंने आपको निकालना फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था. पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि आप जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं उसकी स्पीड का उसका फॉर्मूला लिखें. तो फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है. उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपने उसका यूनिट लिखना है, वो यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है.
उसके बाद आपने सैम्बुल्स लिखने हैं, मीटर का यूनिट एल होता है, टाइम सेकंड टाइम का यूनिट है, तो एल डिवाइड बाय टी, या इसको अगर आप इन्वर्स करेंगे तो आपके पास जो स्पीड की डायमेंशन आएगी वो स्क्वायर ब्रैकेट एल टी पावर माइनस वन, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर स्पीड, और ये आपकी एंट्री टेस्ट में डियर स्टूडेंट्स आ सकता है। सो स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। अब सवाल ये आता है कि सर वाई स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इस स्पीड में हम डील करते हैं विद डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस का किसी मखसूस टाइम में चेंज होना स्पीड कहलाता है, सो इसीलिए हम स्पीड को भी स्केलर क्वांटिटी ही बोलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब ये ऑब्जेक्ट, अब देखें इधर, हमने पिछले टॉपिक में एक एग्जांपल ली थी कि ऑब्जेक्ट मूव करता है। अब हम यहां ले लेते हैं कि भाई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि टूवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अब ये जो ट्रेवल, ये जो लेंथ कवर कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जितने टाइम में कर रहा है उसको इससे डिवाइड कर दें तो हमें एक न्यू क्वांटिटी मिल जाती है जिसका नाम वेलोसिटी है। क्लियर है? सो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू डेल r ओवर डेल t। r यहां पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, मैं यहां लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। v मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसलिए हमने इसके ऊपर एरो लगाए हैं। डेल r का मतलब यह है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप इस डेफिनेशन को इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैंने यहां पर यूनिट टाइम लिख दिया, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज लेते हैं तो उसके फाइनल में से हम उसे उसके इनिशियल को माइनस करते हैं, तो इसीलिए हमने यहां पर आर एफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कुछ इस तरह से लिखा है। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट हमारे पास सेम ही होंगे। सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट हमारे पास होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, ठीक है, और टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन सीजीएस सिस्टम। अगर हम सॉरी दिस इज नॉट अ सीजीएस सिस्टम, दिस इज एसआई सिस्टम में। अब हम अगर सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सीजीएस सिस्टम में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, सो हमारे पास जो यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। इसी तरह से अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं, सो एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ का यूनिट होता है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, वो फुट होता है और टाइम का सेकेंड, सो इसीलिए ये आपके पास बन जाता है फुट पर सेकेंड। क्लियर है? सो दीज आर द यूनिट्स इन डिफरेंट थ्री सिस्टम। अब हम इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन भी इसकी सेम ही होती है। डायमेंशन कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको सिखा चुका हूं। अगेन देखें, डायमेंशन निकालने का पहला स्टेप हमारे पास क्या था? सर पहला स्टेप ये था कि आपने इसका फॉर्मूला लिखा, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम, ओके। उसके बाद आपने इसका यूनिट लिखा मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। इसके बाद आपने इसका सैंपल लिखा
मीटर का मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, तो इसीलिए हम यहाँ पे एल लिखते हैं। सेकंड टाइम का यूनिट होता है, सो इसलिए हम यहाँ पे टाइम लिख देते हैं। ठीक है, इसको इन्वर्स करते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में एल टी पावर माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। स्पीड को तो हमने कुछ यहीं तक डिस्कस किया था, लेकिन अब वेलोसिटी को हमने मज़ीद इसकी कुछ टाइप्स डिस्कस करनी हैं जो आपके एचएसटी के एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कि टाइप्स ऑफ वैसे तो हमारी बुक में नहीं है ये, लेकिन वी आर सपोज टू डिस्कस दीज टाइप्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टाइप इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, द वर्ड इंस्टेंटेनियस मीन्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। सो वी कैन डिफाइन दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन डेफिनेशन एज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नहीं समझ में आया, आइए इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ रोड ऑन विच अ कार इज मूविंग, ओके, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी वी, डिस्प्लेसमेंट डी। ओके, एट दिस पॉइंट ए इट्स वेलोसिटी इज 5 meters per second। आफ्टर सम टाइम दिस कार विल रीच एट दिस पॉइंट। वी आर assuming that at this point, point B, the velocity of car is 8 meters per second. Okay, so now this car is moving towards positive x-axis. We assume that at this time or at this point C, the velocity of car will be equal to 10 meters per second. Understand? So now if I asked that what will be the velocity of this car between point B and C at this point. So this is a specific point. ये एक specific point है और इस specific point में हम यहाँ लिख देते हैं एक specific point है और इस specific point पर पूछी गई इस कार की velocity instantaneous velocity कहलाती है। Clear है? इसका जो formula हमारे पास होता है वो कुछ डिफरेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, और हम इसको फार्मूले को लिखते हैं वी लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो। वी लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू डेरिवेटिव, ये डी किसको शो करता है, डेरिवेटिव डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। अब व्हाट इज मीन बाय टाइम अप्रोचेस टू जीरो, व्हाट इज मीन बाय लिमिट, व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव्स, so these topics are not our topics now. Okay, so the first type of velocity is instantaneous velocity. अच्छा जी, इस instantaneous velocity को हम मजीद एक और बड़े ही प्यारे अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि आपकी इस कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में 10 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई कार का वेलोसिटी बताएं इस पॉइंट के ऊपर, और ये जो पॉइंट है मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कार को पहुंचने में लगता है 0.1 सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ वेरी स्मॉल टाइम, दिस इज आल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? हम यहां लिख देते हैं कि velocity
ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट वेरी स्मॉल टाइम, बहुत ही छोटे टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मेयर की जाती है, इस तरह की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। सो अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं डेफिनेशन लिख चुका हूं, एक अल्फाज लिखना भूल गया था वेलोसिटी से पहले। सो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू शॉर्टेस्ट पॉइंट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म का डिस्टेंस मतलब होता है सेम, नॉन वेरिएबल, कॉन्स्टेंट रहना, चेंज ना होना। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि फर्ज कर रहे हैं पॉइंट ए है, पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट मूव करता है पॉइंट बी तक, और पॉइंट ए से जब चलना स्टार्ट हुआ था तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, पॉइंट बी पर जब पहुंचा तो भी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड ही थी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो कि इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक सेम रहे, इस तरह की वेलोसिटी को हम ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप हमारे पास होती है वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। अब एक ऑब्जेक्ट चला पॉइंट ए से और अगेन एक पॉइंट बी पर पहुंचा, लेकिन पहुंचने से पहले पहले मतलब इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी थी लेट सपोज 10 मीटर पर सेकेंड थी, और यहां पर आकर उसकी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, और यहां पर आकर उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्लियर है? तो ऐसी वेलोसिटी जो कि इनिशियल फाइनल पोजीशन के दरमियान में सेम ना रहे, चेंज होती रहे, इसे वेरिएबल वेलोसिटी कहा जाता है। अब देखें, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टू वे से चेंज होती है। आपसे पूछ लिया जाएगा हाउ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज, तो देयर आर टू वेज टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला वे आपके पास ये है, या तो आप उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कैसे? आप एक ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है मुसलसल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब इसको यहां पर मुड़ने के लिए ब्रेक तो लगाना होगा, ब्रेक लगाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। सो इसलिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज की जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि उस वेलोसिटी के मतलब उसके स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर दो, कम या ज्यादा कर दो, तब भी उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।